कि बड़े से बड़ा दुनिया में जो हरीफ है, एक दूसरे के दुश्मन भी हैं, आप इंडिया और चाइना को ले लीजिए, आप इसके अलावा जो एक दूसरे के दुश्मन हैं वो देख लीजिए, जो ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट्स हैं वो चलती रहेंगी, इनकी तरक्की नहीं रुकेगी इन कंट्रीज़ की। अच्छा, इसके ऊपर हमारा भी एक प्रिंसिपल स्टैंड होता है, वो क्या है कि क्योंकि इसराइल फ़लस्तीनियों को मारता है तो इसलिए हम उससे ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। TLP और TTP से कर सकते हैं, उन्होंने तो अपने ही लोगों को मारा है। UAE का बहुत बड़ा असला जाहिर है, वो खरीदेगा इसराइल से। सोचिए कि ये कंट्रीज़ जो हैं ये मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और हम क्या, हमारा क्या नैरेटिव कि ये हमारे खिलाफ़ मिलकर साजिशें करते हैं। मतलब घबराना नहीं है, आपकी जो मर्ज़ी ज़िंदगी हो, गैस ना हो, बिजली ना हो, पानी ना हो, आपके पास खाने को रोटी ना हो और आपके पास जो है वो भूखे मर रहे हो लोग, इतनी महंगाई हो जाए, डॉलर कि वहाँ पर पहुँच जाए कि जहाँ पर कभी रेजिडेंशियल पैलेस सदारती महल में लहरा दिया गया, इसराइली फ्लैग पेंट अप, और ये एक सेरेमनी में हुआ। सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि वहाँ पर उनका नेशनल एंथम भी बजाया गया, नेशनल एंथम भी लगाया गया वहाँ पर, उनका कौमी तराना इसराइल का। इसराइल के अपॉइंट हुए हैं एम्बेसडर और वो एम्बेसडर एक ऑफिशियल सेरेमनी में उनको गॉड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आप जानते हैं गॉड ऑफ ऑनर की जो सेरेमनी होती है उसमें परचम भी लहराया जाता है, झंडा लगाया जाता है, तो वही सेरेमनी हुई और उसमें इसराइल के एम्बेसडर को गॉड ऑफ ऑनर पेश किया गया और इसराइल का परचम वहाँ पर लहराया गया। और इसके ऊपर उसके बाद उन्होंने बड़ी एक्साइटमेंट भी शो की और सोशल मीडिया पर इसके हवाले से लिखा भी। क्या लिखा मैं आपको बताती हूँ। UAE अमीर हाइक सेड द इसराइली एंथम इज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द प्रेजिडेंशियल पैलेस इन द अबू धाबी, द इसराइली फ्लैग इज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट पैलेस, हाउ एक्साइटिंग एंड हिस्टोरिक। ये वाकई एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि ऐसा सोचना मुश्किल था, इसकी एक्सपेक्टेशंस कम थी ना, इसके बावजूद कि इसराइल और UAE के रिलेशंस कायम हो चुके हैं, 2020 में ऐसा हुआ है, उसके ऊपर हमने प्रोग्राम भी किया था और बहुत सारे उसके ऊपर जो है फिर इवेंट्स हुए थे उस दौरान, उसके बाद जब रिलेशंस कायम हो गए थे तो जो इसराइल के खुफिया एजेंसी के जो चीफ हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे थे मोसाद के, और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन ये होना इसलिए मुश्किल था कि UAE के ज़ाहिर है आइडियोलॉजी उनकी अपनी अलग, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये मुश्किल था, लेकिन मैं नहीं समझती कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि जो नहीं हो सकती थी। लेकिन जाहिर है कि बड़ी खबर है ये। इसके बाद एक और काम भी हुआ, एक और सेरेमनी भी हुई और वो इसका क्रक्स है, वो मेन पॉइंट है, और वो ये है कि वहाँ पर इसराइल की जो असलहा साज कंपनी है उसका इफ्तिताह किया गया, यानी कि जो वेपन्स बनाने वाली कंपनी है इसराइल की उसकी इनॉग्रेशन वहाँ पर की गई। तो आप जानते ही हैं कि अब जो बेसिक मकसद होता है कंट्रीज़ का आपस में वो क्या होता है कि जी ट्रेड शुरू हो, मुआहदे हों, कॉन्ट्रैक्ट्स हों, हम फ़ायदा उठाएं एक दूसरे के, उससे टूरिज़म हो, तो इसी तरीके से ये तो अब जाहिर है कि UAE का बहुत बड़ा असला जाहिर है वो ख़रीदेगा इसराइल से, ये तो बात है। तो ये सब हुआ, ये एक वाकई एक बड़ी खबर है। अब मैं आपके सामने दुनिया की एक और बड़ी खबर रख रही हूँ और वो एक मीटिंग है जो कि प्रेसिडेंट जो बाइडन और प्रेसिडेंट शी के दरमियान हुई बात हो रही, और वाकई ये अनएक्सपेक्टेड इसलिए थी कि ये मुश्किल था ज़रा कि दोनों कंट्रीज़ इस वक्त एक दूसरे के जिस तरीके से राइवल्स बने हुए हैं, और 3 घंटे तक जारी रही और हर तरह के टॉपिक पर बात हुई है, और कहा जा रहा है कि ये एक कैजुअल मीटिंग थी जिसमें बहुत हंसी मजाक की बात भी हुई समटाइम्स, बड़ी मतलब ये कि बड़ी फ्री टॉक भी हुई और दोनों तरफ से उनकी टीम्स के मेम्बरान उसमें मौजूद रहे। इस मीटिंग के दौरान एक चीज़ जिसको मेक श्योर किया गया, बहुत अहम पॉइंट है, अमेरिका और चाइना की तरफ से ये मेक श्योर किया गया कि दोनों कंट्रीज़ के बीच बायलैटरल ट्रेड, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, इनको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाएगा, इनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं बननी चाहिए, इन चीज़ों पर हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारे जितने मर्जी इश्यूज़ हों, हमारे बड़े बड़े मसाइल हों, ताइवान का मसला हो, कुछ और हो, हम लड़ मर रहे हो, जो कुछ भी हो, लेकिन हमारी ट्रेड को कंटिन्यू रहना चाहिए, हमारी एक्सपोर्ट्स को और एक्सपेंड करना चाहिए, हमारी इंपोर्ट्स को चलते रहना चाहिए और हमें आगे से आगे बढ़ना चाहिए, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा नो कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी ये कि बड़ी सादा सी और वो बात जो एक स्ट्रेट टॉक है कि इस हवाले से नो कॉन्फ्लिक्ट्स। वैसे भी कहा गया कि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, ख़त्म होने चाहिए, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने स्टैंड लिया, प्रिंसिपल स्टैंड लिया दोनों ने। अब आप देखिए कि इन कंट्रीज़ का प्रिंसिपल स्टैंड किन बातों पर होता है। दो इतने बड़े राइवल्स जो कि एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारी ट्रेड
पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए भाई, ट्रेड नहीं बंद होगी, बल्कि कहा गया कि बिलियंस डॉलर्स की जो ट्रेड है उसको और बढ़ाया जाएगा। हमारी एक्सपोर्ट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए, हमारी इम्पोर्ट्स पे कोई फ़र्क ना पड़े, ये बातें की गई हैं वहाँ पर। इसी तरीके से देखिए यूएई और जो हमने बात की इसराइल की, दोनों क्या कह रहे हैं, क्यों इस तरह कर रहे हैं? इसकी वजह ये है कि यूएई इसराइल जब वहाँ पर पहुँचा है रिलेशंस के बाद, तो उनका टूरिज्म बहुत बड़ा होगा, उनको बहुत फ़ायदा। जिस तरह मैंने कहा वहाँ पे उनकी असलिया साज कंपनी की इनाग्रेशन हुई है, खुल गई है, तो वो वहाँ से इसराइल भी बहुत बड़े उस पर बजट पर जो बेचेगा वो अपना असलिया, और वो ख़रीदेंगे, उनको ज़ाहिर है अपने डिफेंस के लिए चाहिए होगा ये जो भी है। और उसके अलावा भी उनके बायलैटरल ट्रेड और क्या कुछ यूएई को कितना ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा, जहाँ वो इतनी तरक्की पहले ही कर चुका है, तो आप सोचिए कि अभी वो और कितना आगे जाएगा। ये हैं इन कंट्रीज के मामला, जो मैंने आपको कहा था कि आउटकम पे बात करेंगे, वो इनका आउटकम ये है कि बड़े से बड़ा दुनिया में जो हरीफ है, एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। आप इंडिया और चाइना को ले लीजिए, आप इसके अलावा जो एक दूसरे के दुश्मन हैं वो देख लीजिए, जो ट्रेड है, जो एक्सपोर्ट्स हैं वो चलती रहेंगी, इनकी तरक्की नहीं रुकेगी इन कंट्रीज की। अच्छा, इसके ऊपर हमारा भी एक प्रिंसिपल स्टैंड होता है, वो क्या है कि क्योंकि इसराइल फ़लस्तीनियों को मारता है, तो इसलिए हम उससे ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। TLP और TTP से कर सकते हैं, उन्होंने तो अपने ही लोगों को मारा है। तो ऐसा कुछ भी हो, कोई बात भी हो इसराइल के हवाले से, तो फौरी तौर पर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ट्रेंड्स भी चलते हैं, लोग बात भी करना शुरू कर देते हैं। अभी भी यही बात होगी कि देखिए अब जो अरबी हैं वो तो काफ़िर ही हो गए हैं, इसराइलियों को, यहूदियों को घुसा लिया अपने मुल्क में, देखो ज़रा यहूदियों के परचम लहरा दिया इन्होंने, अपना फ्लैग उनका लगा दिया, कितने ये काफिर हो गए हैं, ये तो बिल्कुल मुसलमान रहे ही नहीं, ये तो इतने ख़राब मुसलमान हो गए, ये तो हुए हैं ही ऐसे। अरबियों की जो है वो सारी बुराइयाँ अब सामने आएंगी, कहेंगे जो मर्ज़ी करते रहें, हमारा अपना है, हम तो ताल्लुकात नहीं बढ़ाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे, हम जिस जगह पर हैं हम हमेशा वहीं पर रहेंगे, हमने आगे नहीं बढ़ना, ये हमारा तहैया है, हमारा जो है ये फाइनल, वो फाइनल कॉल है हमारी कि बस हमने यहीं रहना है, हमने एक्सपोर्ट्स की हमें कोई फिक्र नहीं है, कोई बात नहीं, और इम्पोर्ट्स का क्या है भाई, अल्लाह मालिक है, ठीक है, इतनी ज़िंदगी गुजर गई और भी गुजर जाएगी, वो एक जो एक जुमला बोला जाता है ना, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, ज़िंदगी गुजर ही जाएगी, तो हमारा ये है। और या फिर दूसरा हमारा ये कि जिस तरह हमने पहले हुकूमत की है पूरी दुनिया पर, तो हम दोबारा करेंगे, बेफिक्र रहें, कोई ऐसी बात नहीं है। अब आप सोचिए कि ये कंट्रीज़ जो हैं ये मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, और हम क्या, हमारा क्या नैरेटिव कि ये हमारे खिलाफ़ मिलकर साजिशें करते हैं, और या मसला ये है कि हम खुद उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, अगर हम देखें थोड़ा सा, ज़रा हम जायज़ा लें। तो बहरहाल चलें, ये तो मैंने एक ऐसे पॉइंट पर बात की, क्योंकि जाहिर है कि जब आप इस तरह की वो देखते हैं तो आपका दिल भी बड़ा दुखता है कि भाई हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, हमें भी लोग दूसरे कंट्री से जो है ऐसे बड़े बड़े मुआहदे करने चाहिए, लेकिन वो तो हमने आपको बता ही दिया कि हमें तो मुआहदे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल, हम तो वो जिसे कहते हैं ना कि सुकून सिर्फ कब्र में है, तो भाई जब सुकून सिर्फ कब्र में है तो आपने क्या करना है कॉन्ट्रैक्ट्स करके, क्या फ़ायदा उनका मुझे बताइए, मतलब घबराना नहीं है, आपकी जो मर्ज़ी ज़िंदगी हो, गैस ना हो, बिजली ना हो, पानी ना हो, आपके पास खाने को रोटी ना हो, और आपके पास जो है वो भूखे मर रहे हो लोग, इतनी महंगाई हो जाए, डॉलर कि वहाँ पर पहुँच जाए कि जहाँ पे कभी सोचे नहीं जा सकता था, जो रुपया है वो 2 टके के बराबर हो जाए, टके टके को मोहताज हो जाए, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि सुकून सिर्फ कब्र में है। तो सुकून जब दुनिया में मिलना ही नहीं, तो फिर आपने क्या करना है ऐसी काम करके, ये दुनियावी कामों को हम तवज्जो नहीं देते, ये सब दुनियावी काम है, हमें जो है वो बड़े बड़े दरवेशी वाले काम करने चाहिए, आखिरत वाले काम करने चाहिए।